Hi, myself, Dr. Rita, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. मैं सेमेस्टर टू के स्टूडेंट्स के लिए फिर से CC4 पेपर को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम लोगों को व्यक्तित्व में पहले भी मैं दो क्लास में चर्चा कर चुकी हूँ कि व्यक्तित्व क्या है और उसके स्वरूप क्या है। दूसरा उसी के अंतर्गत है बायोलॉजिकल डिटरमाइंस ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक। आज उसी यूनिट के तीसरे भाग पर मैं चर्चा करूंगी। तीसरे भाग में बताया गया है कि व्यक्तित्व के सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्धारकों को यहाँ बतलाना है, सोशल एंड कल्चर डिटरमाइंस ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व से ही पता चलता है कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज में रहकर वो किस प्रकार से समाज को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है और उसकी उसी समाज की संस्कृति को किस तरह से वो फॉलो करता है। आज उसी विषय पर चर्चा करूंगी। व्यक्तित्व के विकास एवं निर्माण पर जैविक कारकों के साथ साथ ऐसे कारकों का भी प्रभाव पड़ता है जिसका संबंध वातावरण, सामाजिक परिस्थिति या सांस्कृतिक से होता है। ऐसे कारकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्धारक कहते हैं। इसका मुख्य प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। इनमें निम्नलिखित निर्धारक मुख्य हैं। नंबर 1, समूह का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द ग्रुप। व्यक्तित्व के विकास पर 3 प्रकार के समूह का प्रभाव पड़ता है, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप, गौण समूह, सेकेंडरी ग्रुप तथा संदर्भ समूह, रेफरेंसेस ग्रुप। अब समूह के प्रभाव में ये 3 पॉइंट की मैं चर्चा अलग अलग करूंगी। ए, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। परिवार एक प्राथमिक समूह होता है। इसका प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर सबसे अधिक पड़ता है। बच्चों का लालन पोषण तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना परिवार का दायित्व होता है। दूसरी ओर परिवार के मूल्यों, मापदंडों, रीति रिवाज आदि के प्रति निष्ठा और अनुपालन बच्चों का कर्तव्य होता है। बच्चों की प्रारंभिक आयु में जबकि व्यक्तित्व का निर्माण तेजी के साथ होता है, परिवार में समाजीकरण की भी समाजीकरण का भी अपना एक अलग महत्व होता है। बच्चों के समाजीकरण पर परिवार का प्रभाव विशिष्ट प्रशिक्षण तथा इसके द्वारा निर्मित विषयों के रूप में पड़ता है। इन माध्यमों में बच्चे सही गलत, अच्छा बुरा आदि के संबंध में समाज द्वारा स्वीकृत सामाजिक संतुलन, शिष्टाचार आदि सीख लेता है। वे आक्रमणकारी व्यवहार, बदतमीजी आदि समाज द्वारा अवांछित व्यवहारों पर भी नियंत्रण रखना सीख लेता है। उसी के अंतर्गत पारिवारिक उत्साह भी देखा जाता है। बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में पारिवारिक स्नेह या तिरस्कार का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से माता पिता के अति स्नेह तथा अति तिरस्कार का बुरा प्रभाव उसके व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। संतुलित मात्रा में स्नेह मिलने पर बच्चों में आगे चलकर संवेगात्मक स्थिरता संभव होती है। स्नेह नहीं मिलने पर अथवा लगातार तिरस्कार मिलने पर संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और वे समस्यात्मक व्यवहार तथा बाल अपराधी व्यवहार से पीड़ित हो जाते हैं। पारिवारिक नियंत्रण या पारिवारिक शिक्षण, लर्निंग इन द फैमिली। परिवार बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक।
वे अपने बच्चों को कुछ व्यवहारों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं और कुछ व्यवहारों के लिए उन्हें दंड भी देते हैं। इससे बच्चों के व्यक्तित्व, सील गुणों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का निर्धारण होता है। माता पिता द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अधिकांश परिवारों में लड़के को कठिन कार्य करने के लिए दिया जाता है और लड़कियों को कम कठिन कार्य दिया जाता है। माता पिता अपने बच्चों पर यह दबाव चेतन तथा अचेतन दोनों रूपों में डालते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के मुकाबले कम प्रशिक्षित हो सकती है। लड़कियों को विनम्र एवं अंतमुखी देखा जाता है और लड़कों को बहिर्मुखी व्यवहार करते हुए देखा जाता है। माता पिता के शिक्षण के द्वारा यह देखने को मिलता है कि लड़कियों को हमेशा एक अलग तरह का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माता पिता की मनोवृत्ति, पेरेंटल एटीट्यूड्स। बच्चों के प्रति माता पिता भी अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति रखते हैं, जिसका गहरा प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। जो माता पिता स्वयं अभियोजित होते हैं और अपने बच्चों के प्रति स्नेह एवं आदर का भाव रखते हैं, उनके बच्चों में आत्मविश्वास, आशावाद, आत्मसम्मान आदि सील गुण का विकास होता है। जो बच्चे असंतुलित होते हैं, उनके पीछे का कारण उनके माता पिता हैं। जिनके माता पिता असंतुलित व्यवहार करते हैं, उनके बच्चों में तिरस्कार तथा घृणा का भाव होता है और बच्चे निराशावादी, प्रतीकात्मक, समस्यात्मक आदि बन जाते हैं। अनुकरण, इमिटेशन। बच्चे अनुकरण के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और बच्चे अनुकरण सीखना अपने माता पिता से ही शुरू करते हैं। बच्चे अपने माता या पिता को आदर्श या नमूना मानकर उनके साथ आत्मीकरण करते हैं और उन्हीं आत्मीकरण के द्वारा उनके सभी व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। संज्ञानात्मक शिक्षण तथा साधनात्मक शिक्षण के रूप में अनुकरण का महत्व देखा जाता है। नंबर 2, गौण समूह। गौण समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से हैं जिसके सदस्यों के बीच प्राथमिक तथा निकट संवेगात्मक संबंध नहीं पाया जाता है। वे एक दूसरे को अपने लक्ष्य और उद्देश्य के द्वारा मिलते हैं और उन्हीं के द्वारा अपने कार्यों को सक्रिय बनाते हैं। इसीलिए ऐसे समूहों के मानदंडों, मूल्यों तथा रीति रिवाजों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व विकास पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। राजनीतिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संगठन आदि गौण समूह के उदाहरण हैं। नंबर 3, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह ऐसे समूह को कहते हैं जिसका सदस्य फिलहाल व्यक्ति नहीं होता है, परंतु सदस्य बनने की इच्छा रखता है। ऐसे समूह के साथ व्यक्ति आत्मीकरण स्थापित कर लेता है तथा उसके मापदंडों एवं मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। यदि कोई हरिजन मुस्लिम समुदाय के साथ आत्मीकरण स्थापित करने तथा इस्लाम धर्म में दिए गए समानता संबंधी मूल्यों को अपने जीवन में उतारने लगे, तो अवश्य ही उनमें अन्य हरिजनों की अपेक्षा भिन्न व्यक्तित्व सील गुण विकसित हो सकते हैं। नंबर 2, खेल। खेल के मैदान में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वहां बच्चे इकट्ठे होते हैं और उनके बीच में परस्पर क्रिया देखा जाता है और उनका प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण पर
पड़ता है। सामाजिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास तथा नैतिक विकास में अच्छे खेलों से काफ़ी मदद मिलती है। बच्चों को अनुशासित करने में खेल में से सहायता मिलती है। शारीरिक विकास में भी यह बहुत सहायक होता है। नंबर 3, पड़ोस, नेबरहुड। बच्चों में व्यक्तित्व के विकास पर पड़ोस का गहरा प्रभाव पड़ता है। शहर तथा देहात के मध्य वाले क्षेत्रों में अच्छे पड़ोसियों के अभाव के कारण वहाँ के बच्चों में आपराधिक होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। नंबर 4, शिक्षालय, विद्यालय या स्कूल्स। बच्चों के समाजीकरण पर एक सबसे प्रभावशाली एजेंट विद्यालय है, जो वस्तुतः एक गौण समूह है। विद्यालय के भौतिक वातावरण, अनुशासन, शिक्षक के चरित्र, विद्यार्थी के चरित्र आदि का प्रभाव व्यक्तित्व के निर्माण पर पड़ता है। प्रत्येक विद्यालय के अपने विशेष मानदंड, मूल्य तथा अनुशासन होते हैं, जिसका पालन करना उस विद्यालय के छात्रों तथा छात्राओं के लिए आवश्यक होते हैं। फलतः उसमें उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है। उपलब्धि, सहकारिता, सहानुभूति, मित्रता आदि के विकास में सहायता मिलती है। अत्यधिक कठोर या ढीला ढाला अनुशासन बच्चों के समुचित समाजीकरण में बाधक होती है। नंबर 5, सामाजिक आर्थिक कारक। व्यक्तित्व विकास पर सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। यह सत्य है कि कभी कभी गरीबी वरदान बन जाती है और अमीरी अभिशाप, परंतु अधिकांश परिस्थितियों में सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता समुचित एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। नंबर 6, संस्कृति और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति की भूमिका को निर्धारित करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि संस्कृति का क्या अर्थ है। संस्कृति किसे कहते हैं? लिंटर नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि संस्कृति का अर्थ अर्जित व्यवहारों तथा ऐसे व्यवहार के परिणामों की समाकृति है, जिसके घटक तत्वों के संचालन तथा साझेदारी समाज विशेष के सदस्यों द्वारा होते हैं। मॉर्गन एम किंग के अनुसार संस्कृति का तात्पर्य प्रथाओं, आदतों, परंपराओं तथा कौशलों से है, जिनसे किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह की विशेषताओं का बोध होता है। चैपलिन के अनुसार एक समाज को दूसरे समाज से भिन्न करने वाले रिवाजों, कला, विज्ञान तथा धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवहारों के समन्वित समुच्चय को संस्कृति कहते हैं। अध्ययनों एवं निरीक्षणों से पता चलता है कि व्यक्तित्व के विकास और सील गुणों के निर्माण पर संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक मापदंड, सांस्कृतिक प्रतिरूप, संस्कृति समष्टि, संस्कृति संघर्ष आदि परिवेशों में व्यक्तित्व की रूपरेखा का निर्माण होता है। यदि एक बच्चा कच्ची सामग्री की तरह होता है, संस्कृति अपने अनुकूल उसे पक्का माल के रूप में तैयार करता है। संस्कृति इस काम को विशेष प्रशिक्षण के द्वारा करती है। बच्चों को ऐसे व्यवहारों को अर्जित करने के लिए प्रबलित किया जाता है जो संस्कृति के मापदंडों के अनुकूल होते हैं, और ऐसे व्यवहारों से बचने के लिए बाध्य किया जाता है जो उस संस्कृति के लिए अवांछित होते हैं। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सीख संस्कृति से मिलती है। क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए,
कौन सा व्यवहार सामाजिक एवं नैतिक है, कौन सा व्यवहार असामाजिक तथा अनैतिक है, इन सारी बातों की जानकारी संस्कृति से मिलती है। संस्कृति उसके सामने एक आदर्श व्यक्तित्व होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में सामाजिक और संस्कृति का अपना एक अलग प्रभाव है। धन्यवाद।